दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय एजुतंत्र। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। हमारी खास सीरीज एजुकेशन मित्रा में आपका स्वागत है। ये एजुकेशन मित्रा का पहला एपिसोड है जिसमें हम आपको स्कूल्स के एजुकेशन से जुड़े हुए बड़े अधिकारियों से मिलवाते हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक अधिकारी हैं, सर का नाम विनोद कुमार यादव है और ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल के ये फाउंडर चेयरमैन है। सर, पिछले 1.5 सालों से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत कोलैप्स कर रही है। बच्चों के नाम कट रहे हैं स्कूल से, टीसी वगैरह लेके वो स्कूल चेंज कर रहे हैं। इसका प्रॉपर एक कारण ये है कि जो ड्रास्टिक चेंज कोविड के कारण स्कूलिंग सिस्टम में आया है उसको हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन क्या होगा? देखिए, अभी ये बिल्कुल सत्य है कि जब से ये कोविड महामारी आई है, स्कूल्स की दिशा और दशा सब बदल गई है। बिल्कुल। और इसका प्रमुख कारण ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हम आज उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बारे में हमारे इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और हमारे पास ग्रामीण परिवेश के बच्चे बहुत आते हैं, वहाँ पर या तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन है तो इंटरनेट फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से एजुकेशन उतनी अच्छी से उनको नहीं मिल पा रही है। और मेरा मानना है जो भारत की जो एजुकेशन है उसमें जो बच्चा स्कूल जाके कर सकता है वो ऑनलाइन उतना अच्छे से नहीं कर सकता। और अभी इसका जो सही प्रॉपर तरीके से इंटरनेट कनेक्शन, बच्चों पर स्मार्टफोन नहीं होना, घर में एक ही फोन, एक घर से अब 2-3 बच्चे पढ़ रहे हैं, घर में स्मार्टफोन एक ही है, सेम टाइम पे 2-3 बच्चों की क्लासेज आ गई तो उसमें वो एक ही बच्चा क्लास ले पाएगा, उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पेरेंट्स की उतनी हैसियत नहीं है कि वो 3-3 स्मार्टफोन खरीद के अलग से बच्चों को दे सके, तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो ये सिस्टम है, अभी 2-3 साल तक हमें इस बीमारी से जूझना पड़ेगा और शिक्षा हमारी काफी हद तक मुझे लगता है बर्बाद हो रही है। क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि हम बच्चों को प्रमोट कर दें, लेकिन फिर भी जब हम प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो फाउंडेशन है उसको कमजोर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कोई औपचारिक तरीका निकालना चाहिए सिवाय इसके कि हम प्रमोट कर दें? निश्चित तौर से निकालना चाहिए, लेकिन अब बड़ी विडंबना है कि सरकारों में आपस में तालमेल नहीं है। एक सरकार कहती है कि बच्चों को प्रमोट कर दीजिए तो दूसरी सरकार कहती है कि एग्जाम होना चाहिए। और प्रमोट करना, मुझे लगता है कि जो स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बच्चों के साथ, मतलब पूरा न्याय नहीं हो पा रहा है, इसमें पूरा न्याय बच्चों के साथ नहीं हो पा रहा है। और कई बार बहुत जो अच्छे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत से 100 out of 100 ले सकते हैं वो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। और स्कूल्स में धक्का तो सभी बच्चों को लगाया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद ही कोई बच्चा फेल करे। स्कूल ये चाहेगा कि सभी बच्चों को, जब मौका मिला है तो सभी बच्चों को हम पास कर दें, इस तरह का है। और पिछले एक साल में पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई है, तो पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन चला, ऑनलाइन में भी बच्चों ने उतना उसको सीरियस नहीं लिया, तो ये एक दिक्कत है। और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई ऐसा विकल्प निकालना चाहिए कि जिससे कि बच्चे पूरा साल भी नहीं तो 50% के हिसाब से स्कूल जाएं, रेगुलर ना जा रहे। एक क्लासेस के अंदर मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं तो 1-20 मंडे जाएं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जाएं, और 21-40 अगले 3 दिन जाएं। तो ऐसा कोई ना कोई सरकार को विकल्प निकालना चाहिए, 33% का फार्मूला हो, 50% का फार्मूला हो या 100% का हो, कैसे भी करके बच्चों के लिए स्कूल जरूर खोलने चाहिए। बहुत बढ़िया विनोद जी। अब बच्चों से ना स्कूल के ऊपर आते हैं जी। स्कूल से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है जी। अगर मैं सबसे निचले स्तर पे आऊँ तो वो कैब वाला जो सुबह सुबह गलियों में कैब को दौड़ाता हुआ आपके स्कूल पे बच्चों को ड्रॉप करता है और फिर दोबारा दूसरी बच्चों को लेने के लिए चला जाता है, स्कूल के टीचर्स, मैनेजमेंट का स्टाफ, एडमिन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, चपरासी आया, सफाई कर्मी, इन लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट आया है? क्योंकि स्कूल के पास भी लिमिटेड पॉकेट है और चूंकि स्कूल के वो एम्प्लॉयज हैं और आप एम्प्लॉयर हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये समझना होगा हमको कि एक लिमिट आएगी।
बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और इस दुख से हम पिछले एक सवा डेढ़ साल से बहुत परेशान हैं। मैं आपको, चूंकि आप, हालांकि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ऑन द कैमरा आपको कोई नहीं बताएगा, जी जी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आवाज हमारी ये पूरे सिस्टम तक पहुंचे। हाँ। और सिस्टम इस पर एक्शन हाँ। ले, सिस्टम इस पर विचार करे। हाँ। पिछले सवा डेढ़ साल से लोगों का अपने जो हमारा ज्ञान सागर परिवार है उसको चलाने के लिए हमने हाँ। यानी अपने जो पर्सनल हमारे अपने प्लॉट्स थे हाँ। मैंने वो भी बेच दिए हैं इसके लिए, और अपनी कुछ एफडियां हमने करा रखी थी, एफडीज वो भी हमने तुड़वा दी हैं। आपने अपने स्कूल को चलाने के लिए चलाने के पर्सनल प्रॉपर्टीज सेल करी। क्या करें, क्योंकि फीस आती नहीं है, फीस आ नहीं रही है। पेरेंट्स हमें, मतलब ये समझ लीजिए आपके 30% फीस हमें मिल रही है, और उसमें भी गवर्नमेंट की पाबंदी है कि आप एनुअल चार्ज नहीं लेंगे, आप डेवलपमेंट फीस नहीं लेंगे, मतलब अदर देन ट्यूशन फीस आप कुछ नहीं लेंगे। ट्यूशन फीस भी आपको 30% मिल रही है, खर्चे आपके 100% है, खर्चों में कोई कटौती नहीं है। हमारे पास जो बसेज हैं उनकी किस्त हमने देनी है, जो स्टाफ है उसकी सैलरी हमने देनी है, यानी इवन जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स जो जाता है वो प्रॉपर्टी टैक्स भी हर साल पे करना होता है। जून में उसका लेटर आया था, अभी भी लेटर आया हुआ है कि 30 जून से पहले आप वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करिए। बिजली में कोई कटौती नहीं हुई है, खर्चे में कोई कटौती नहीं है, और इनकम 30% रह गई है। तो बहुत सारी चीजें मैनेज करने के, मैं समझता हूँ जब हम इतने दुखी हैं तो और स्कूल भी, सभी स्कूल इस समस्या से जूझ रहे होंगे। और मेरा सभी स्कूलों से अनुरोध भी है कि जैसे भी हो अपने स्टाफ का घर वो जरूर चलवाएं, उसके लिए कितना ही प्रयास करना पड़े। और सरकार से भी मैं अपील करता हूँ कि इस पर तुरंत कोई उचित एक्शन हो, जिससे कि सारे स्कूल का जो भी स्टाफ है उसकी, पेरेंट्स का, सबका रोजी रोटी ठीक प्रकार से चल सके, बच्चों को एजुकेशन ठीक से मिल सके। विनोद जी, चूंकि आज मैं आपसे सिर्फ शिक्षा और उससे जुड़े विषयों पर बात करने के लिए आया हूँ, उसके अलावा अगर हम आपके जीवन के ऊपर किसी दिन बात करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस तरीके से आप बार बार पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। मैं अंतिम सवाल लूँगा और इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। दौर तो बुरा है जी, ये दौर भी बीत जाए, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या आम जनता हो, इस वक्त एक डिप्रेशन की टेंडेंसी से जूझ रही है, इससे कैसे ओवर पावर करें, बाहर कैसे आए इन सब चीज़ों से? क्योंकि आप अगर प्लॉट बेच के स्कूल का खर्चा चला रहे हैं, इसमें कुछ तो सोच रहे होंगे आप, तो मैं चाहूंगा वो विजन जो है आप सामने रखें। देखिए, बहुत समय खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, और आप ठीक कह रहे हैं, ये भी बीत जाएगा। हाँ। जब वो समय नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हाँ। बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ। इस वक्त मैं तो सबको एक ही एडवाइस करूंगा कि धैर्य से काम लें, खर्चों को मिनिमाइज करें, जो मोस्ट असेंशियल आपके खर्चे उन्हीं को करें, और घर में रहें, जो सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उसका पालन करें, और यथासंभव अपने मित्रों की, भाइयों की, रिश्तेदारों की जैसी जरूरत हो, आप जिस काबिल हैं उस तरह से मदद करें, और धीरे धीरे सब, जैसे अभी कोविड का काफी कम हुआ है पीछे से, तो धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आएगा, लाइन पर आएगा, और भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। मेरी तो यही आप सबसे अपील है कि सबसे मिलके यथाशक्ति मदद करें, सहयोग करें, और इस समय को धैर्य से निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विनोद कुमार यादव जी, जो कि चेयरमैन है ज्ञानसागर पब्लिक स्कूल के। ज्ञानसागर पब्लिक स्कूल की सारी डिटेल्स हम डिस्क्लेमर में डाल देंगे। अगर आपको इस स्कूल से संबंधित किसी भी जानकारी को जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।